मोटो ने हाल ही में अपने ए सीरीज के 3 स्मार्टफोन लॉन्च किए थे और तीनों स्मार्टफोन एक से बढ़कर एक थे। आई मीन उन्होंने जो मार्केट के अंदर काफी सारे स्मार्टफोन को काफी तगड़ी टक्कर भी दी थी। लेकिन अब इसके बाद दोस्तों मोटो यहां पर रुकने वाला नहीं है। मोटो अपने जी सीरीज का एक नया स्मार्टफोन लेकर आ रहा है जो होने वाला है मोटो G85 5G स्मार्टफोन। ये स्मार्टफोन ऑलरेडी चाइना के अंदर लॉन्च हो चुका है और काफी अग्रेसिव प्राइसिंग के साथ लॉन्च हुआ और उसके साथ ही जो स्पेक्स है वो भी हमें काफी अग्रेसिव देखने में जाते हैं। जी दोस्तों, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ मोटो G85 5G स्मार्टफोन की। यहाँ पर आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मोटो G85 5G कि इंडियन पैजिंग कब तक इंडिया में आ सकता है, किन स्पेक्स के साथ आएगा और इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो वो मैं आपको दिखाऊंगा जो कि स्मार्टफोन की लीक होकर आई है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो मोटो G85 5G की प्राइसिंग और लॉन्चिंग डेट मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा। सबसे पहले यहां पर आप इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो देख सकते हो जहां पर आप देख सकते हो क्लियर मोटो G85 की ब्रांडिंग देख जाती है। बॉक्स टाइप वैसा ही है जैसे कि आजकल जो मोटो मैक्सिमम स्मार्टफोन में यूज कर रहा है। नीचे की तरफ हम देखेंगे तो अगेन ऐसा ही हमें एक बॉक्स देखने को जाता है जिसमें हमें यूज मैनुअल कुछ बैक कवर देखने को मिल जाते हैं। नीचे की तरफ देखने को मिल जाते हैं हमें हमारा स्मार्टफोन। स्मार्टफोन के नीचे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा एक पावर अडैप्टर एंड एक टाइप सी की चार्जिंग केबल। तो ये कुछ बॉक्स कंटेंट हमें देखने को मिल जाता है स्मार्टफोन के अंदर और बॉक्स कंटेंट वैसा ही है जैसे कि हमें मोटो के मैक्सिमम स्मार्टफोन में देख मिलता है। तो चलिए अभी बात करें स्मार्टफोन के स्पेक्स के बारे में। और अगर मैं स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पर डिजाइन एंड डिस्प्ले से बात करते हैं। और डिजाइन एंड डिस्प्ले की बात करूं तो सेम डिजाइन वही लाइनअप को फॉलो करता है जो कि मोटो ने इस प्राइसिंग वाले ज्यादातर स्मार्टफोन में दी है। चाहे मैं H50 फ्यूजन की बात करूं या मैं बात करता हूं मैक्सिमम स्मार्टफोन की तो वही लाइनअप को यहां पर यूज करता हुआ बैक में वीगन लेदर देखने को मिल जाएगा। हाँ, एक वेरियंट यहां पर भी आपको देख मिलेगा जो कि विदाउट वीगन लेदर के साथ देख मिलेगा। कर्ड एजेस देख मिल जाएंगे बैक से भी। फ्रंट साइड में आते हैं तो यहां पर भी कर्ड एजेस देख मिलेंगे। ये जो डिस्प्ले होगी पी ओलेड डिस्प्ले हमें देखने को मिल जाएगी एंड 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने मिलेगा। बैचेस होंगे काफी हद तक कम देखने को मिल जाएंगे एंड 1000 निट्स प्लस की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलने वाली है यहाँ पर। और इसके वेट के बारे में काफी सारे दोस्त पूछते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं 170 ग्राम के अप्रोक्स में वेट देखने जाएगा। आई मीन जो स्मार्टफोन होगा कोई ज्यादा हैवी स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, काफी हल्का स्मार्टफोन होगा। और फ्रंट साइड में बैजेस होंगे काफी हद तक कम देखने मिलेंगे जिससे इसका स्क्रीन टू बॉडी रेस होगा वो भी काफी तगड़ा देखने जाएगा। यानी अगर आप कोई भी कंटेंट देखोगे, कोई मूवी वगैरह देखोगे तो आप कुल मिलाकर उसको एंजॉय करोगे, आप बोर वगैरह नहीं होने वाले हो। सेकंड, अभी बात करते हैं स्मार्टफोन के कैमरा की। और कैमरा की बात करो तो अगेन डुअल रियर कैमरा ही हमें यहाँ पर देखने मिलेगा जिसमें जो प्राइमरी कैमरा होगा 50 मेगापिक्सल का। यहाँ पर जो सोनी का लेंस यूज होगा सोनी LYT 600 स्कैंडी होगा 2 मेगापिक्सल का। 82 मेगापिक्सल की सेल्फी हमें देखने को मिल जाएगी। सेल्फी के बारे में नहीं बताया कि सोनी का लेंस मिलेगा या नहीं, लेकिन रियर साइड में जरूर आपको सोनी का लेंस देखने जाएगा। और जो यहाँ पर लेंस यूज करा है इसको भी मोटो ने पहले भी यूज किया है और काफी सारे ब्रांड्स ने भी इस प्राइसिंग के अप्रोक्स जो है यूज किया है। स्पेशली अगर मैं बात करता हूँ वन प्लस की तो हमने स्मार्टफोन की जो कैमरा क्वालिटी देखी काफी तगड़ी देखने को जाती है। स्मार्टफोन के भी कुछ कैमरा सैंपल्स जो कि निकल कर आए थे जो कि मैंने आपको पहले भी काफी सारे वीडियोस में बताए थे और अभी कुछ और नए कैमरा सैंपल स्मार्टफोन के निकल कर आए हैं वो आप माय डिस्प्ले पर देख सकते हो। और कुल मिलाकर अगर मैं 20,000 के हिसाब से जी दोस्तों यहां पर डिस्क्लोज हो ही गया तो मैं आपको बता दूं स्मार्टफोन की जो प्राइसिंग होगी अप्रोक्स 20,000 ही होने वाली है, 20,000 के अराउंड ही देखने को मिल जाएगा। तो 20,000 के हिसाब से अगर मैं स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी की बात करूं तो नो डाउट काफी बेहतरीन हमें देखने को मिल जाएगी। जो क्लैरिटी होगी वो काफी अच्छी देख मिलेगी एंड जो बात करता हूँ सेल्फी कैमरे की तो वो भी हमें यहाँ पर काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। फाइनली बात करते हैं परफॉर्मेंस एंड बैटरी बैकअप की। परफॉर्मेंस की बात करते हैं यहाँ पर एक नया चिपसेट देखने मिलेगा जो कि हाल ही में वन प्लस के कुछ स्मार्टफोन्स में देखने मिला था, स्नैपड्रैगन का 6S Gen 3 चिपसेट जो कि काफी अच्छा चिपसेट है इस प्राइसिंग के हिसाब से। और इसके एंटीटू बेंचमार्क स्कोर की बात करते हैं 5 लाख के अराउंड हमें एंटीटू बेंचमार्क स्कोर देखने जाते हैं। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि इस प्राइस में सबसे पावरफुल स्मार्टफोन होगा या सबसे पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन होगा, ऐसा नहीं है। हम कह सकते हैं एक नॉर्मल स्मार्टफोन होगा जो कि आपको नॉर्मल गेमिंग करवा देगा। हैवी ग्राफिक्स पर ऑब्वियसली बात आप यहाँ पर नहीं जा पाओगे, लेकिन अगर आप नॉर्मली गेमिंग करोगे, नॉर्मल ग्राफिक्स पर करोगे तो यहाँ पर आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। रैम रोम टाइप की बात हो तो LPDDR4X टाइप की रैम आपको देखने जाएगी। स्टोरेज टाइप की बात हो तो UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप आपको देखने मिलेगा। फाइनली अगर मैं बैटरी की बात करूँ 5000 mAh की बैटरी मिलेगी एंड 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ दोस्तों स्पेक्स थे जो कि स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलने वाले हैं। और ओवरऑल इस स्मार्टफोन की बात करूं कि प्राइसिंग के हिसाब से कैसा है स्मार्टफोन, देखो प्राइसिंग के ओवरऑल दोस्तों इस स्मार्टफोन की बात करूं तो 20,000 के हिसाब से काफी अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है। 20,000 से ऊपर स्मार्टफोन की प्राइसिंग नहीं जाएगी क्योंकि भाई 20,000 से ऊपर ऑब्वियस सी बात है पहले ही हमें मोटो का H50 फ्यूजन मिल रहा है तो मैक्सिमम चांस है कि यह स्मार्टफोन 20,000 से हमें नीचे देख मिलेगा। और अगर हमें 20,000 से नीचे स्मार्टफोन देख मिलता है तो मेरे हिसाब से काफी तगड़ा स्मार्टफोन आने वाला है, चाहे डिस्प्ले की बात करूं, कैमरा की बात करूं, परफॉर्मेंस की बात करूं या बैटरी की बात करूं। हाँ, काफी सारे दोस्तों लॉन्चिंग डेट के बारे में पूछेंगे तो ये स्मार्टफोन में भी 90% चांस हमें
ये स्मार्टफोन जुलाई के महीने में ही देखने को मिल जाएगा। अगर थोड़ा बहुत लेट होता है, हो सकता है मे भी कुछ रीजन की वजह से मोटो इसको लेट कर दे, तो वो मैक्सिमम अगस्त तक जा सकता है, उससे लेट ये स्मार्टफोन इंडिया में नहीं होगा, आपको जल्द ही ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। प्राइसिंग मैंने आपको बताई थी 20,000 के अंदर ये स्मार्टफोन आने वाला है। तो ये थी एक छोटी टेक न्यूज जो कि हमने आपको दिखाई, कैसे लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से।